गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा था? चलो आप ज्वाइन हो गए ना। आज आप लोग टॉपिक देख लिया है अपना क्या है। हाँ लोग टॉपिक देख चुके हैं। बात टॉपिक देखिए आज हमारा टॉपिक होगा यूनिट टू के अंदर में इकोनॉमिक ऑफ फूड ग्लोबलाइजेशन एंड शिफ्ट इन फूड प्रैक्टिसेस प्रिजर्वेशन ऑफ फूड वैल्यूज ड्यूरिंग कुकिंग इंडिजिनस एंड मॉडर्न वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड आइटम। ठीक है तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। सब लोग तो लगभग जुड़ ही गए हैं, कुछ लोग जुड़ जाएंगे फिर या वेट कर लें। चलो हम शुरू करते हैं टॉपिक। ठीक है, किसी का क्वेश्चन नहीं ना है। अच्छा तुमने से जूली डॉल नंबर 54 आवाज जा रही है। तुमको मुझसे बोले थे पिछले दिन, याद होगा कि तुम अपना सवाल मेरे व्हाट्सएप पे कर देना। तुम सवाल बाद में की नहीं, बाद में हम मिसगाइडेड हो गए, आपके ध्यान में नहीं था एंड फाइनली जो भी तुम्हारा क्वेश्चन था रिप्लाई नहीं दे पाए। स्टिल नाउ अब तक नहीं दिए। तुमको बोले था कि व्हाट्सएप कर देना हमको। हाँ तो तुम व्हाट्सएप नहीं किए इसलिए हम नहीं रिप्लाई किए। बाद में हमको याद आया, लेकिन सवाल हमको नहीं याद आ रहा था कि कौन सा सवाल था और किसका सवाल था। तो हम बाद में फाइनली फिर हम मतलब आई थिंक शायद प्रतिभा को कॉल करके या प्रतिभा से, प्रतिभा ही शायद कुछ भेजी थी आई थिंक लेसन प्लान का, तो वो देखे उसके फिर हम बात किए थे। तो प्रतिभा से पूछे थे या तो हम ही कॉल किए तो ध्यान में नहीं है। तो वो बोली कि जूली का सवाल था तो तुम हमसे सवाल की नहीं थी, डेट वाई हम तुमको जवाब नहीं दिए थे। ठीक है, किसी का भी सवाल है तो पर्सनल कोई भी आदमी सबके लिए बोल रहे हैं, अब मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सवाल कीजिएगा। बिकॉज सर उसमें मना किए हुए हैं कि पर्सनली सब लोग ज़्यादा नहीं भेजे कुछ उसमें ग्रुप में, तो इसी वजह से उसमें हम पूछे नहीं और सबको अलग अलग भेजते कि तुम्हारा सवाल था, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। उससे अच्छा है कि जिसका सवाल हो वो व्हाट्सअप कर दीजिए, सवाल पूछ लीजिए। कोई भी आंसर जो पहले दे चुके हैं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ हो मेरे जवाब से या मेरा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो, देन आफ्टर या फिर हम आंसर ही नहीं भेजे हो वो सवाल आपको पूछना हो तब भी, ऐसा कुछ भी है तो वो आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम उसका जवाब आपको देंगे। अगर नहीं होगा देन आई विल डू कॉल यू अगेन, हम कॉल करके बात कर लेंगे। ऐसे लिखना होगा, लिखवाना जो होगा हम फ्री टाइम में करवा लेंगे, है ना। लेकिन आप जब बोलिएगा उसके बाद ही ना, देन यू हैव टू गिव द एटलीस्ट योर क्वेश्चन एट माई ओन पर्सनल व्हाट्सएप। ठीक है, किसी भी सवाल का जो जवाब दे चुके हैं उससे भी, जो नहीं दिया है उससे भी आपको लगता है देन आप उस तरह, चलिए गुड मॉर्निंग पंकज, ठीक है तो उस तरीके से आप सवाल कर लीजिएगा तो हम आपको जवाब दे देंगे। अब बाद में क्या होता है ध्यान से निकल जाता है, देन फॉर डैट पर्टिकुलरली आई एम जस्ट सेइंग सॉरी टू एवरी वन हूएवर वेन एवर आस्क एनी क्वेश्चन। कोई भी आप में से कभी भी सवाल पूछा हो जवाब नहीं दिया हो इस ग्रुप के बीच में देन हमको नहीं याद है, उसके लिए हम सॉरी बोल देंगे। लेकिन हाँ पर्सनली पूछेगा देन फाइनली हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है, और बीच में थोड़ा हम भी इंगेज हो गए थे तो हम टाइम नहीं पा रहा था। जैसे आज क्लास लेंगे तो क्लास होने के बाद हम इसको इसको यूट्यूब पर डाल भी देंगे फिर आपका आज का भी,
जो भी होगा कोशिश करेंगे। चलो अब आज के सवाल की तरफ चलते हैं। बाकी आपका जो पर्सनली सवाल होगा, चाहे जूली का हो, प्रतिभा का हो, एंड अंशु का हो, या कामनी, जिसका भी है, एक्स वाई जेड, है ना, तो आप सवाल पूछ लीजिएगा, पर्सनल पे हम आपको बता देंगे। क्लियर? आगे बढ़े हम आज के लिए। तो आज का जैसा कि टॉपिक था, आपको पता होगा यूनिट टू है, और यूनिट टू में हम फूड और न्यूट्रिशन के बारे में बात किए थे, भोजन के बारे में और पोषक तत्व के बारे में बात किया था, और भी बहुत सारी बात किए थे जिसमें हम लोग देखा था। दो तीन चीज़ हम रिपीट कर दे रहे हैं 2-3 मिनट के अंदर में, बाकी टॉपिक पर आ जा रहे हैं। हम लोगों ने बात किया था कि आज जिस तरीके से कोरोना का टाइमिंग चल रहा है, चाहे वो प्रीवियस ईयर से COVID-19 की बात हम कर लें या आज के डेट में 21 चल रहा है, तब तक भी हम लोग उससे परेशान हैं, उससे हम लोग का पीछा नहीं छूट पा रहा है। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया में, दिल्ली हो उसने बढ़ा दिया, महाराष्ट्र ने डेट बढ़ा दिया है, एक्सटेंशन किया है, बिहार ने बढ़ाया, यूपी ने बढ़ाया, कोई ऐसा, पंजाब ने बढ़ा दिया, हरियाणा ने बढ़ा दिया, लगभग हमको लग रहा है इंडिया का हर स्टेट जो ये चीज़ है लॉकडाउन का एक एक्सटेंशन ऑर्डर है उसने दे दिया है। इसके पीछे का वजह यह है कि कहीं ना कहीं हम लोग की इम्यूनिटी पूरी तरह से इफेक्टिव हो चुकी है, और उसकी वजह से ये खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। आज बोला भी जा रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है दे आर सेव, और उनको बाहर नहीं निकलना है। अभी आपको परसों का न्यूज़ बता दें, परसों न्यूज़ आया है दूसरे किसी स्टेट का है कि अब हवा में पाया जाने वाला वेरियंट पैदा हो गया है कोरोना का। अब बताओ इससे कैसे निपटेंगे हम? क्या 2 गज की दूरी काम कर जाएगी? मास्क काम कर जाएगा? डबल मास्क काम करेगा? कोई इम्यूनिटी टॉनिक पीने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। जिसकी बॉडी के अंदर स्टेमिना है वही इससे बच सकेगा, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ने वाला है। अगर मान के चलो भाई देवे उससे बच भी गए, कोरोना से बच गया तो ब्लैक फंगस नहीं छोड़ने वाला है, उससे बच गया तो व्हाइट फंगस नहीं छोड़ने वाला है, येल्लो फंगस नहीं छोड़ने वाला है, और आज की डेट में क्रीम फंगस वो नहीं छोड़ने वाला है। किससे किससे लड़ेंगे, किससे किससे बचेंगे? सीधा उपाय है, हम अपना ध्यान रखें और बेवजह का बाहर नहीं निकलें। सीधी सी बात है, जैसा बोला जा रहा है आज की डायरेक्शन में, और ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम नहीं निकलना पड़ेगा, निकलना तो है ही, बाहर जाना है, काम करना है, सारा कुछ करना है, लेकिन इन सब के बीच प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी होगा, और प्रिकॉशन के साथ इम्यूनिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होगा, और उसके साथ साथ मेडिकल जो एसोसिएशन है उसको भी आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। हम इतना पीछे आज नहीं हो सकते हैं कि एक मामूली से इतना छोटा वायरस जिसकी कोई औकात नहीं है, दिखता तक नहीं है, वो इतने लोगों की जान ले रहा है आज, ठीक है, और सब सब पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, अमेरिका भी डिस्कस कर रहा है, इंडिया भी डिस्कस कर रहा है, कोई नहीं बचा है। तो ऐसे में सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग का इतना सारा साइंस कहाँ चला गया आज, है ना, तो हमको कुछ नया करने की ज़रूरत है, और अपने आप को सेव करने की भी ज़रूरत है। और साथ साथ अब हम सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो टॉपिक है हमारा, इन सब चीज़ों को, जिस मुद्दों को रखा है, उन सब का इलाज कुदरत ने हमको दिया है, नेचर ने हमको दिया है, प्रकृति ने हमको दिया है। जिन फूड स्टफ्स को, जिन फूड आइटम्स को हम खाते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ों की दवाएं हैं, सारी चीज़ों से लड़ने के प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, है ना, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, टाइमली इस्तेमाल हो, जब इस्तेमाल होना चाहिए तब इस्तेमाल हो, जितना इस्तेमाल होना चाहिए उतना ही इस्तेमाल हो, देन देर इज़ नो इश्यू एट ऑल, तब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे मेरा टॉपिक पर अगर आ जाए, एग्जैक्टली प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करने का मतलब क्या होता है, सेव करके, बचा करके रखना किसी चीज़ को, ठीक है, ऐसा रख लेना कि वो ख़राब ना हो, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हो। आज के डेट में हम लोगों की आदत फ्रिज के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं, हम लोगों के लाइफ स्टाइल का हिस्सा कोल्ड ड्रिंक पर जाके ख़त्म होता है, हम लोगों के किसी भी पार्टी के अंदर कोल्ड ड्रिंक होना मस्ट है, जा रहा हो गर्मी हो, डजेंट मैटर एट ऑल, फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों के यहाँ चाइनीज फूड स्टफ या फिर बाहरी जो भी फूड स्टफ है उसकी पूरा आम रिवाज, आम चलन हो गया है। ये सारी चीज़ कहाँ से आ गई हम लोगों के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे कि पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए, या ये भी नहीं कह रहे खाना ही नहीं चाहिए, या ये भी नहीं कह रहे पूरी तरह इसी को लागू कर देना चाहिए, एक बैलेंस शीट की ज़रूरत है हमको, बैलेंस शीट, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, सपोज आप में से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं मोबाइल पे अभी ऑनलाइन क्लास में, आई जस्ट थिंक सो एवरीवन लगभग बिहार बोर्ड से होंगे, एक दो को छोड़ करके कोई ऐसा होगा जो CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड से पढ़ा हो, लेकिन अब इसका मतलब अगर बिहार बोर्ड से हैं, हिंदी बोर्ड से हैं, ठीक है, तो मतलब टेक्निकल हम नहीं होंगे। अगर आप टेक्निकल नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन रख करके ऑनलाइन क्लास में कैसे जुड़िएगा?
अब ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन से ऑनलाइन क्लास करने के लिए आपको BCA पास होना चाहिए, MCA पास होना चाहिए, मैनेजमेंट का कोर्स किया होना चाहिए, ऐसा कोई शर्त नहीं है। तो जिस तरीके से मोबाइल पे क्लास करना, ये सिंपल सी बात है, और मोबाइल से क्लास करना इसलिए ज़रूरी है आपके लिए, मोबाइल से क्लास करना क्योंकि आज की डिमांड है, आज की मजबूरी है। तो आज की इस मजबूरी को कवर करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इतनी टेक्नोलॉजी का हिस्सा हमको आना चाहिए। इसके लिए ये नहीं है कि हम बीटेक इंजीनियर होंगे तब मोबाइल पे क्लास कर पाएंगे, BCA पास होंगे तब मोबाइल पे क्लास कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से व्हाट्सएप यूज़ करना ज़रूरी है आज आपके लिए, उसी तरीके से आज अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए गूगल मीट भी ज़रूरी है और जूम ID भी ज़रूरी है, या ऐसी हर चीज़ ज़रूरी है जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल मोबाइल में किया जा सके, है ना। हम लोग अगर गौर से देखें तो सारी चीज़ों के साथ यही चीज़ है कि बेसिक के साथ कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। एक बहुत बड़े प्रोफेशनल बंदे का एक उदाहरण है, हम उस उदाहरण को यहाँ पर शेयर करना चाह रहे हैं 2 मिनट के लिए, और वो सवाल आप लोग से ही पूछते हैं। एक छोटा सा सवाल है, ये बताओ हम लोग जितनी चीज़ की तैयारी करते हैं, जैसे BEd कर रहे हैं, सबको पता होगा BEd करने के लिए BA पास होना चाहिए, या BA या BSc या BCom कम से कम होना ही चाहिए तभी BEd करेंगे, और यही BA या BCom या BSc पास होना चाहिए UPSC फाइट करने के लिए भी, यही BA BSc BCom होना चाहिए आपको BPSC फाइट करने के लिए भी। तो BPSC के लिए भी वही कंडीशन, UPSC के लिए भी वही कंडीशन, और BEd के लिए भी वही कंडीशन। तब इसका मतलब BEd का वही वैल्यू होना चाहिए जो BPSC का है, जो UPSC का है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक टीचर जो हमारे यहाँ से निकल के BEd करके निकलता है, वो टीचर दूसरी तरफ जो BPSC करके एक ऑफिसर बन गया डिप्टी कलेक्टर है, वो तीसरी तरफ जो UPSC फाइट करके कलेक्टर बन गया, कमिश्नर बन गया, वो सब कह रहे हैं कि अलग क्यों है फिर? अलग है इसलिए कि उसकी लेबर अलग है, उसकी मेहनत अलग है, उसके एप्टीट्यूड टेस्ट अलग है, उसके अंदर कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज है। अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है देन आप डिफर हैं। सिंपली बेस तो सबका एक ही है ना कि ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट लेवल बिना किए हुए आप BPSC नहीं कर सकते, UPSC नहीं कर सकते, तो उसी तरीके से BEd भी नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से टेक्निकल होने की उतनी ही ज़रूरत है जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं, हर टाइम 3 टाइम खाना खाते हैं, उस खाने के साथ मेरा न्यूट्रिएंट्स का उतना होना ज़रूरी है उसके अंदर कि इम्यूनिटी पावर डेवलप हो। अगर ऐसा नहीं हो, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंडे की बात करें तो पॉलिटिकल लोगों को भी ऐसा होना चाहिए, मेडिकल लाइन की बात करें तो उन लोगों को भी ऐसा होना चाहिए, धार्मिक लोगों की बात करें तो उसको भी होना चाहिए, लेकिन सबको तो हम नहीं सुधार सकते हैं ना, आप नहीं सुधार सकते हैं। अगर सबको नहीं सुधार सकते तो कम से कम अपने आप को तो सुधार लो। आपको एक छोटा सा बता दें उदाहरण, बाबा रामदेव ने अभी उन्होंने जो बनाया क्या नाम बनाया, कोरोनिल, कोरोनिल को लेकर कई दिन विवाद चला, न्यूज़ में आया, हर जगह आया। बाद में उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को उजागर किया, उसने बताया कि बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हमने परमिशन लिया था कोरोना की दवा बनाने का। एकदम सही, उन्होंने परमिशन तो लिया था लेकिन कोरोना की दवा बनाने का नहीं लिया था, परमिशन लिया था सर्दी जुकाम और खांसी से लड़ने वाली, इम्यूनिटी डेवलप करने वाली दवा बनाने का। उसके लिए उनको ऑर्डर दिया गया, उनका पास कर दिया गया, प्रपोजल को पास किया गया और कहा गया कि उनका जो प्रपोजल पास हुआ है उसमें इम्यूनो लगाएंगे वो। व्हाट इज द वर्ड इम्यूनो? IMMUNO, इम्यूनो। इम्यूनो का मतलब था इम्यूनिटी पावर से, ठीक है, कि मतलब इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा आपका, वो चीज। तो उन्होंने इम्यूनो नहीं जोड़ करके, ठीक है, कोरोनो या कोरोनील जोड़ दिया। इसमें मिनिस्ट्री की क्या गलती है, ये चीज़ आया। कहने का मतलब है कि ये चीज़ एक सामने आ गई, डिस्प्ले पे आ गई तो लोगों ने उसको जान लिया। इस तरीके से हम लोगों को जागरूक होना होगा। कई लोग बहुत तरह की चीज़ों में और चले जाते हैं, कुछ लोग नेचुरोपैथी में चले जाते हैं, बहुत सारे, है ना। तो हमको उन सारी चीज़ों को लेकर जानना पड़ेगा। नेचुरोपैथी गलत नहीं है, नेचुरोपैथी यानी नेचर से इलाज, बहुत सारी चीज़ों का इलाज है और साइंटिफिकली प्रूफ है। आप जानिए जिस बर्तन को कुत्ता चाट जाता है, कुत्ता सबको जाना, डॉगी कुत्ता, जिस बर्तन को कुत्ता चाट जाएगा उसको आप 10 बार भी साबुन से धो लेंगे ना तो उसका जो वायरस है खत्म नहीं होगा। लेकिन पुराने जमाने के लोग मिट्टी से माजा करते थे बर्तन को। आप लोग क्या भी होगा सिस्टम, जो लोग गांव देहात के बैकग्राउंड से आते हैं, आज भी पुराने लोग जो भी हैं वो मिट्टी से बर्तनों को माजने का सिस्टम, वो कोई मिट्टी नहीं होगी, साफ सुथरी मिट्टी रखते थे वो लोग, ऐसा है या नहीं है?
और साइंटिफिक रिसर्च है, साइंस इस बात को मानती है कि उसका जो वायरस है खत्म भी हो जाता है, ये अप्रूव है। तो आखिर कैसे? इसका मतलब मिट्टी के अंदर कुछ क्वालिटी जरूर है तभी ऐसा हो रहा है। तो जो नेचर का गुण है वो अपनी जगह है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन सब कुछ नेचर से निकाल करके, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे जो भी हो, एलोपैथ हो, सबने उनकी उन चीजों को निकाल करके, उनके असेट्स को निकाल करके, उनका एसेंस को निकाल करके ही दवाएं बनाई हैं। तो उनके हमको डिपेंड करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से चीजों के एसेंस को निकाल के मेडिकल बनाया गया, मेडिकेटेड चीज बनाई गई, दवाओं के रूप में कन्वर्ट किया गया, चाहे वो टॉनिक बनाई गई हो, चाहे वो टैबलेट बना दी गई हो, जो भी बना दिया गया हो, उसको इस्तेमाल करके हम अपना इलाज कर पाते हैं। तो इसी तरीके से जो हम खाना खाते हैं उसमें भी हर तरह का खाना है, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला खाना, उसमें हर तरह की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। टमाटर के अलग फ़ायदे हैं, बंदा गोभी का अलग फ़ायदा होगा, और सब्जियों का अलग फ़ायदा है, ठीक है ना। इसी से बहुत तरह की वेजिटेबल, मतलब वेजिटेबल के खाने से हमको विटामिन मिल जाता है, और किसी से प्रोटीन मिल जाता है, किसी से कुछ मिलता है, चना से कुछ और मिलता है, दाल से कुछ और मिल रहा है। तो हमको उन चीज़ों का भी सेवन करना पड़ेगा। आज के डेट में इन चीज़ों पर हमको कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना पड़ जाएगा, चाहे मजबूरी में कीजिए या डॉक्टर के ट्रीटमेंट करने के बाद कीजिए, लेकिन करना तो पड़ेगा ही आपको, उसके साथ आपकी मजबूरी हो गई है। तो उसी से रिलेटेड हम टॉपिक पर सीधे आप आ जा रहे हैं। ये सब आज के डेट में हमको जानकारी रखना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सा खाना फायदेमंद है, किस तरह के फूड प्रोडक्ट लेने चाहिए, किस तरह के फूड प्रोडक्ट हमको नहीं लेने चाहिए, किसका ज़्यादा सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का कम सेवन करना चाहिए, और सेवन करने में भी उसका उसका एक मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए। जैसे अगर हम कोई चीज़ को मसालेदार खाते हैं तो कितना ज़्यादा मसाला डालना चाहिए, है ना। अगर हम मिर्च डाल लें या ऐसा कोई भी जो भी चीज़ है, मसाला है या कोई ऐसी चीज़ है ना, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितने मात्रा में इस्तेमाल होना चाहिए, इन चीज़ों का नॉलेज भी हमको होना चाहिए, ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम आपको इन चीज़ों को भेज देंगे जो हम बोल रहे हैं। आम लोगों के लिए जो भोजन की थाली है वो अभी डेटा आया है कुछ दिन पहले, ये जनवरी 2020 का डेटा है, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, जनवरी 2020। अभी कौन सा महीना चल रहा है, 2021 का जून स्टार्ट हो चुका है, और ये हम एक साल नहीं डेढ़ साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब जनवरी 2020 की बात कर रहे हैं, तो पूरा एक साल इधर का 6 महीना या 5 महीना कम से कम, तो डेढ़ साल पहले की बात है, सबका डेटा हम पढ़ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। उसमें आया था कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्री से, ठीक है, श्रीमती सीतारमन ने सदन में एक चीज़ समीक्षा बैठक की थी, उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया था। उसमें कहा गया था कि जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जो लेबर है हमारा, है ना, और उसकी जो डेली का वेजेस है, मतलब डेली जो उसकी इनकम ऑफ सोर्स है जिसके जिससे वो अपना अपनी लाइफ स्टाइल को जीता है, उसके ऊपर रिपोर्ट दिया था कि उसके लिए 3 वक्त का खाना आसान हो सके इतना वेजेस उसका होना चाहिए। समीक्षा में उन्होंने रिपोर्ट पेश किया, उन्होंने कहा कि 2006-07 में, हम कब की बात बता रहे हैं, सुना आप लोगों ने, हम बात कर रहे हैं एक साल नहीं डेढ़ साल पहले की, मतलब जनवरी 2020 की, 31 जनवरी 2020 की रिपोर्ट किसने पेश किया, निर्मला सीतारमन ने, कहाँ पेश किया, सदन में। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि श्रमिकों के लिए जो ज़रूरी है वेजेस, जो सैलरी, पर डे का इनकम ऑफ सोर्स, वो कितना हो ताकि वो 2 वक्त की रोटी सही तरीके से खा सके, ताकि इम्यूनिटी वाली चीज़ों को भी ले सके, खाना भी हो सके, कपड़ा भी हो सके, मकान भी हो सके, उसकी जो डेली की जो ज़रूरत है ना, सालाना जो ज़रूरत है उसके, बाल बच्चों की, सब वो पूरी हो सके, उसको देखते हुए उन्होंने बताया था कि 2006-07 की तुलना में, कब बताया, आज से 1.5 साल पहले, क्या बताया कि 2006-07 की तुलना में 2019-20 में, ठीक है, जो शाकाहारी भोजन है, शाकाहारी भोजन सबको पता होगा, शाकाहारी भोजन की थाली 29% कितना, 29% तक, और जो मांसाहारी भोजन है जिसमें मांस मीट ये होता है वो सब, उसका 18% सस्ता हुआ है, उन्होंने रिपोर्ट दिया था। इस रिपोर्ट के बारे में फैक्ट हमको नहीं मालूम, वो न्यूज़ एजेंसी तय करेगी कि सच है, झूठ है, क्या है, नहीं है, विपक्ष तय करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, उठा पटक करेगा, ये हम लोग का मुद्दा नहीं। लेकिन ये रिपोर्ट आई कि 1.5 साल पहले ये रिपोर्ट आया कि जो शाकाहारी भोजन है वो 29% सस्ता हो गया, और जो जो मांसाहारी भोजन है वो 18% तक सस्ता हो गया, किसकी तुलना में, 2006-07 की तुलना में, ठीक है, आवाज जा रही है साफ साफ, जब कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा।
आवाज पूरी तरह से जा रही है ना। इसके बाद आया, हाँ उसके बाद आया, जब ये रिपोर्ट उन्होंने पेश किया तो भारत में भोजन की थाली को इकोनॉमिक्स के आधार पर यानी अर्थशास्त्र के आधार पर बांट के देखा जाए तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में एक सामान्य व्यक्ति का मतलब आम आदमी, उसमें कुछ विशेष लोगों को नहीं जोड़ेंगे, जैसे कि जो पॉलिटिशियन हैं जिनको स्पेशल भत्ता मिलता है, 1-2 लाख सैलरी के तौर पे उनको मिल जाता है, और जो एक आईपीएस ऑफिसर है, एक टीचर है, एक शिक्षक है, एक अच्छा वर्ग है, मतलब ये बहुत हाई प्रोफाइल लोग नहीं है, लेकिन इनकी आमदनी टाइम टू टाइम सरकार कहते हैं कि बजट में चेंज करती है और उनका जो महंगाई भत्ता होता है उनको मिल। बात कब की थी कि 29% तक आम लोगों की जो थाली है वो सस्ती हो गई शाकाहारी थाली, और 18% तक सस्ती हो गई उन लोगों की जो मांसाहारी भोजन खाने वाले थे 2006-07 के तुलना में। ये सीतारमन ने जो ये पेश किया बिल, उसका रिपोर्ट है कब, जनवरी 31 जनवरी 2020 में, मतलब आज से 1.5 साल पहले। अब इसका फैक्ट तो वो चेकअप करेगा जो पक्ष विपक्ष में होगा, उस पर हम बात नहीं करेंगे, है ना। इसको जब आम अर्थशास्त्री के लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जब इसको अपने नजरिए से देखा तो उनका मानना है इसके बारे में क्या हुआ, उन्होंने इस पर क्या रिपोर्ट दिया कि इसका पूरा फैक्ट चेक कि भारत में भोजन की थाली अर्थशास्त्र के आधार पर समीक्षा में ये निष्कर्ष निकाला गया कि भारत एक सामान्य व्यक्ति द्वारा एक थाली के लिए जो भुगतान करेगा वो कितना भुगतान करेगा ये तय सीमा होनी चाहिए। भारतीयों के लिए दैनिक आहार से संबंधित जो भी दिशा निर्देश है, ठीक है, उसमें मूल्य का आकलन होना चाहिए। जैसे मान के चलो मूल्य का, अभी आपको मालूम होगा 6 महीने तक का जो बच्चा होता है, कोई भी किसी परिवार में पैदा हो भारत के अंदर, कम से कम बिहार में तो ज़रूर है नीतीश कुमार जी का, बाकी हर जगह होगा कि 6 महीने तक का जो बच्चा होता है उसको कुछ ना कुछ अनाज, सोयाबीन है, चावल है, दाल है, अंडा है, ये सब आंगनबाड़ी केंद्र से मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम रखा गया चूंकि इम्यूनिटी उसके स्ट्रांग रहे, जितना भी टीका है वो पीएससी सेंटर के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिल जाता है, सिर्फ जाए सारा टीका वो करवा ले। अगर वही टीका वो बाहर से जाके लेता है, प्राइवेट किसी संस्था में जाके ले, किसी डॉक्टर के यहाँ ले, तो उसको कई हज़ार पे करना पड़ेगा, जबकि अगर वो उस जगह जाता है पीएससी केंद्र में तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा टीका, कोई चार्ज नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं, अपनी मर्जी से खुश होकर देना चाहे वो अलग बात है, चार्जेबल नहीं होगा, फ्री होगा। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये नहीं कि फ्री होगा, बल्कि प्राइवेट जो संस्थान है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर। अब चूंकि हम लोग के यहाँ का सिस्टम क्या है, लोग खुद गंदगी फैला देते हैं, है ना, तो अब अगर मान के चलो तुम खुद गंदगी फैला रहे हो तो उसको सरकार क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो, तो हम ही में से कुछ लोग हैं जो गंदगी फैला देते हैं, जा करके फेंक दिया तो फेंक दिया, गंदगी कर दिया, वो अलग सी बात है, नहीं तो इन जनरल सारी फैसिलिटीज अवेल होती है वहां पर, और उनको जितना सुविधा वहां मिल जाएगा वो प्राइवेट केंद्रों पर नहीं मिलेगा, ऐसा है। तो इसलिए ये हुआ कि तय किया गया कि आम लोगों की जो थाली होगी उसका जो आकलन हो वो भी इसमें किया जाए कि कितना उसका वेजेस होगा, कितना खाने का रेट होगा, ये सब तय सीमा होनी चाहिए। इसके लिए अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2019 तक का, कब से, अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2019, इस इतना लंबा टाइमिंग, 6 से 19 कितना साल हो गया, 15 साल नहीं हुआ, इतने लंबे टाइम में 25 राज्यों का, 25 स्टेट, भारत में 29 स्टेट, तो अगर 25 राज्य का हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, उसमें और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 80% केंद्रों से जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी लेबर हैं, उन सबको सूचक में शामिल किया गया, एक श्रेणी बनाई गई और उसकी समीक्षा की गई, तो ये पाया गया कि संपूर्ण भारत के साथ इसके चारों क्षेत्रों, चारों तरफ के जो क्षेत्र हैं उसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सभी सभी जगह जो शाकाहारी भोजन की थाली है 2015-16 से 15-16 तक में जो उसका रेट था उससे अब काफ़ी कमी उसमें आ गई है। 2019 में इनकी कीमत तेज़ी से बढ़ने लगी, फिर ऐसा सब्जियों और दालों की कीमत में जो पिछले साल तेज़ी से इजाफा हुआ, रेट भागा, उसकी वजह से हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 5 सदस्यों वाले एक औसत परिवार, ध्यान रखना 5 सदस्य वाला, मतलब एक आम तौर पे जो फैमिली होती है उसमें एक माँ होगी, एक बाप होगा, 2 बच्चा होगा, होता है ना,
अगर मान के चलो एक साधारण फैमिली की बात करें, एक माँ एक बाप दो बच्चा, तो चार आदमी हो गए, पांच मान लिया जाता है आमतौर पर। मान लो किसी की एक माँ होगी, किसी का एक बाप, इस तरीके से एक एवरेज परिवार, किसी में ज्यादा भी होगा, किसी में कम बच्चा भी होगा, तो एवरेज माना गया पांच आदमी वाला, कि पांच सदस्य जिस परिवार में उसकी बात। तो ये माना गया है कि इसके हिसाब से कि एक इसके हिसाब से कि पांच सदस्यों वाले एक औसत परिवार को, जिसमें प्रति व्यक्ति रोजाना कम से कम दो पौष्टिक थालियां, पौष्टिक थालियों का मतलब जिसमें आपको वो सारा चीज मिल जाए जो आपके बॉडी, जो आपके शरीर के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर सके, है ना, जो आपको एक अच्छा भोजन में मिलना चाहिए, सारे तरह की जो इम्यूनिटी शक्तियां हैं, पावर है, वो सब मिलना चाहिए, वैसा खाना, ठीक है। तो पौष्टिक थालियों से भोजन करने के लिए प्रति वर्ष 10,887 रुपये, कितना, 10,887 रुपये की आवश्यकता होगी एक साल में। एक साल में वैसा परिवार जिसमें पांच मेंबर हैं, उसको दो वक्त का सही सही खाना मिल जाए, पौष्टिक आहार के साथ खाना मिल जाए, उसके लिए माना गया कि 10,887 रुपये में हो जाएगा। अगर वही व्यक्ति इसकी जगह मांसाहारी भोजन खाना चाहेगा, तो ये जो कॉस्ट है 10,887 की जगह पर बढ़ जाएगा और 11,787 रुपये का फर्क आएगा, मतलब इतना रुपया उसको लगेगा, 11,787 रुपये का खर्चा उस पर आएगा, ये माना गया। इसी तरीके से 15-16 में जो इसकी समीक्षा की गई, उसमें बड़ा बदलाव आया। फिर 15-16 में थालीनोमिक्स एक टॉपिक जोड़ा गया, जो पेश किया गया बिल, उसमें उसका नाम था थालीनोमिक्स, जैसा हम बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स, है ना, तो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है उसका स्टडी है। तो थालीनोमिक्स का मतलब थाली, खाने की थाली, जिसमें पूरा भोजन सारे चीज का, मतलब ये नहीं कि अलग अलग रोटी अलग चावल, नहीं नहीं पूरा थाली, कंप्लीट फूड, है ना। थालीनोमिक्स मतलब भोजन की थाली, इसको माना गया कि अर्थशास्त्र में बड़ा बदलाव हुआ और उसमें थालीनोमिक्स की जगह तय की गई। उसमें 14-15 में कृषि क्षेत्र के उत्पादक जो भी थे, जिसको किसान बोलते हैं, जिसमें कृषि बाजार आता है, इस सब को बढ़ाने की तरफ, इस सब में सुधार लाने की तरफ कदम उठाना चाहिए और इन सब में पारदर्शिता आए। पारदर्शिता का मतलब जो एग्जैक्ट फिगर है वो आम पब्लिक के ओपिनियन में आ जाए, ऐसा नहीं कि सरकारी डेटा कुछ हो, मेरा डेटा कुछ हो और किसी और आदमी का डेटा कुछ हो, एक जनरल डेटा हो जिसपे किसी को डाउट ना हो, ठीक है। तो इस तरह का डेटा सबके सामने आना चाहिए पारदर्शी तरीके से, और उसमें कीमत का निर्धारण किया जाए, उसके अनुसार आपको खाना मिल सके, उस तरीके का थाली का सिस्टम बनाया जाए। दूसरी तरफ भोजन परिरक्षण, मतलब भोजन अगर रखना है, मतलब ऐसा तो नहीं कि हम दो वक्त की रोटी या खाना या दाना पानी जो बनाया है उसको क्या दिन रखेंगे बचा के, हम तो बताओ, वो बचाने का मतलब नहीं है। बचाने का मतलब ये है कि आप जैसे सरकार अपने स्तर पर, बिहार सरकार है तो बिहार करे, राज्य सरकार है तो राज्य करे, या अगर केंद्र शासित सरकार है तो वो करे, उसको जो पूरे मतलब अपने स्टेट या अपने राज्य के अंदर जितना उसका एक्सपेंडिचर है, जिस तरीके से वो हेल्प करेगा अपने पब्लिक का, अपने जनता का, उसके लिए उसको कहाँ रखेगा, कैसे सेव करेगा इसके लिए, ठीक है। और आम आदमी तक ये खाना हमेशा पहुँचता रहे, जैसे मान लो बाढ़ की आपदा आएगी, तो बाढ़ की आपदा आएगी तब तो सबको हेल्प करना पड़ेगा, सबका जो अपना अनाज है वो ख़त्म हो जाएगा, जो उसका खेत है, खेती है, सब बह जाएगी, या भूकंप आया, लोग मर जाएंगे बहुत सारे, कितने घर गिरेंगे, कितना लोग बर्बाद हो जाएगा, ऐसे हालत में सरकार के ऊपर ये होगा कि वो उसको कैसे हेल्प करेगा, बाकी अन्य सरकारें भी उसकी क्या मदद करेंगे। लेकिन अन्य सरकार जो मदद करेगी वो जिम्मेदारी नहीं है उसकी कि मदद करे ही, वो कर देगा तो उसकी अपनी तरफ से एक हेल्प होगा, लेकिन जो आपकी सरकार है उसकी जवाबदेही है, उसकी उसकी तो जिम्मेदारी है उसको तय करना है, तो इसीलिए वो ऐसा कैसे करेगी उसके लिए भी तयशुदा कुछ बात होनी चाहिए। तो वो रखा गया भोजन परिरक्षण आपूर्ति के लिए, जिसको हम फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ये क्या है, वो नियम बनना चाहिए। दूसरा है कि भोज परिरक्षा के लिए, भोजन जो होता है उसकी परिरक्षा के सिद्धांत पर भी ध्यान दिया जाए। उसका एक टॉपिक है फर्मेंटेशन, आप में से कोई साइंस से आईएससी किया है, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं इसमें से कोई साइंस से आईएससी किया है आप में से, टोटल में से काम नहीं, तुम्हारा साइंस से था आईएससी, चलो गुड, और कोई नहीं, सिर्फ काम नहीं है,
प्रतिभा, प्रतिभा का भी साइंस है, जूली का भी साइंस है। चलो तो चलो, मतलब कई लोग हैं जिनका साइंस है, तो आपने पढ़ा होगा फर्मेंटेशन क्या होता है, पढ़ा है? फर्मेंटेशन, FERMENTATION, फर्मेंटेशन क्या होता है बताओ, केमिस्ट्री में है। अरे तो केमिस्ट्री तो रहा ही होगा ना, बायो है तो केमिस्ट्री नहीं रहा होगा। हाँ आप बताइए, चंदन बता रहे हैं। परमुटेशन नहीं बोल रहे, चंदन वन मिनट, परमुटेशन नहीं बोल रहे बाबू, आई एम नॉट सेइंग परमुटेशन, परमुटेशन जो होता है मैथ में है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं फर्मेंटेशन, FERMENTATION, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। चलिए जो भी पढ़े नहीं पढ़े ध्यान में रखिए, और जो नहीं भी पढ़े इससे वो भी ध्यान रखिए। फर्मेंटेशन क्या होता है कि किण्वन जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो किण्वन क्या होता है कि अब सारा भोजन हर आदमी नहीं बनाएगा। अभी मान लो हमारा इंडिया डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो जो डेवलप्ड कंट्री है वहां जाइएगा, अगर जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, खुद सऊदी अरब के अंदर ये सब में जाइएगा, तो वहां लोग क्या करते हैं कि वहां एक घर में अगर पांच आदमी है ना, तो पांचों आदमी वर्किंग है। हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है, हमारे यहाँ एक पापा कमाने वाले हैं, मम्मी खाएगी, बाल बच्चा खाएगा, पापा कमा के लाए, सब बाल बच्चा माँ सब खाए, तो मतलब कॉमन। अब किसी की सब फैमिली की बात हम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी फैमिली भी है जिनके यहाँ बहुत तरह से अपडेटेड है, वो लोग सारे लोग कमाने वाले हैं वो भी है, लेकिन मैक्सिमम फैमिली हमारे यहाँ की ऐसी होती है जिसमें एक आदमी, एक पुरुष होगा जो कमाने वाला होगा, या एक भाई होगा वो कमाने वाला होगा, इस तरह तरीके से होगा, पूरा परिवार चलाएगा वो। तो इसमें क्या होता है ऐसे में कि आपका जो साधन है वो एक जगह से आ रहा है, तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं, तो बाकी लोग घर में रहते हैं तो खाना बनाएंगे ही, खाएंगे ही जो खाते हैं वो। बाहर सब में क्या है कि फर्मेंटेड फूड आपको ज्यादा मिलता है, बाहर सब का मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वो सब में आपको जो चीज खाना है ना सब मिलेगा बना हुआ, एवरीथिंग। आपको चिकन खाना हो मिल जाएगा, आपको अंडा खाना है अंडा मिल जाएगा, आपको सब्जी खानी है वो मिल जाएगी, सब चीज फुल पैक्ड, पैकेट पैक आता है। आपको करना क्या होगा, फर्मेंटेड फूड खाना, कुछ नहीं करना है इसको, तो रोस्ट करके आप उसको खा लीजिए। लेकिन हाँ एक चीज कॉमन है, ये सब खाना जो होता है हेल्दी डाइट नहीं होगा, हम इसी की बात करना है। हम लोगों के यहाँ जो आज जितनी बीमारी आ रही है, अभी काला फंगस के बारे में, काला फंगस का नाम सबको सुना होगा, अभी की बात है, रिसेंट होगा, काला फंगस के बारे में आ रहा है कि काला फंगस की वजह से ही व्हाइट फंगस भी आया है, और येलो फंगस भी उसी की वजह से आया है। मतलब सबका जो बेस है वो काला फंगस है, चाहे क्रीम फंगस बोलिए, येलो फंगस बोलिए, व्हाइट फंगस बोलिए, या ब्लैक फंगस बोलिए, तो मेन ब्लैक फंगस ही है। और ब्लैक फंगस के बारे में बता रहा है कि आमतौर पर वो फ्रिज वगैरह ठंडी जगह जैसे होते हैं, फ्रिज में सामान रख देते हैं कई दिन पड़ा रहता है, उसमें किसी तरह का ब्लैक ब्लैक डॉट स्पॉट ये सब लग जाता है, या फिर फफूंदी लग जाती है, खाने के ऊपर लेयर होती है वो जम जाती है, उसमें डेवलप होता है वो। तो अब बताओ, ये तो मेरी अपनी गलती है, मतलब मेरी का मतलब आपकी या मेरी नहीं, हम लोगों की गलती है जिसको भी हो रहा है ना। तो अगर हम ऐसे खानों को नहीं खाएं, ताज़ा खाना खाएं, तो ऐसा दिक्कत नहीं है, नहीं होगा, इससे बच सकते हैं हम लोग। तो फर्मेंटेड फूड पे हम लोग डिपेंडेंट हो गए आजकल। आजकल आप देखिए कॉर्नफ्लेक्स आता है, क्या है कॉर्नफ्लेक्स, बच्चे लोग के लिए बहुत सारा ऐसा आइटम आता है जैसे मैगी वगैरह, सीधे लिया सीधे बना दिया, डायरेक्ट खा लिया, ये सब क्या फर्मेंटेड है, ये सब नहीं खाना चाहिए। आप घर का खाना ताज़ा खाइए, उसमें एक अलग ही चीज़ है, इम्यूनिटी डेवलप, हर कोई डेवलप होगा, सस्ता भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों को फर्मेंटेड फूड कहते हैं, उसमें एयर पूरी तरह निकाल दी जाती है, फर्मेंटेड किया जाता है, वो छः छः महीना साल साल भर तक वो रहता रखा हुआ, वो ख़राब नहीं होता, उस पर लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट, ठीक है। आप जैसे टैंक वगैरह आता है शरबत बनाने के लिए, है ना, इसी तरीके से रुआफजा वगैरह आता है, उस पर देखते हैं लिखता है 18 मंथ फ्रॉम पैकिंग, पैकिंग होने से 18 महीने बाद तक का डेट, ठीक है। तो लोग इस तरह से लिख देते हैं, लोग बिकते हैं मार्केट में, लोग खाते हैं, लाते हैं, यूज करते हैं। तो ये आपका फर्मेंटेड फूड आइटम होता है।
इसी तरीके से अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, अगर कोई सवाल पूछे कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे भोजन परिरक्षण एवं आपूर्ति, ये इसका हिंदी हुआ। और इसका अर्थ क्या होगा, इसको समझने के लिए बोलेंगे वर्तमान समय को देखते हुए, यानी आज के समय की बात हम कर रहे हैं, इसको देखते हुए हमें जानते हैं कि हर आदमी के पास समय बहुत दिक्कत से मिलता है ना। तो भोज्य पदार्थ जुटाने की जो समस्या है उसका समाधान यह है कि विभिन्न परिस्थितियों में भोजन किसी न किसी रूप में प्राप्त हो सके, इस प्रकार की समस्या के लिए कृषि द्वारा हल प्राप्त किया जाए। इसका दूसरे अर्थ में अगर हम बात करें तो भोज्य पदार्थों को वर्तमान समय में जिस देश जिस भोज्य पदार्थ में जिस मतलब जिस देश में जिस भोज्य पदार्थ की कमी है उसको वो दूसरे देशों से प्राप्त करें, और जिस देश में जिस भोज्य पदार्थ की बहुत ज्यादा संभावित मात्रा के तौर पर उसके पास साधन है वो दूसरे देशों को सप्लाई करे, ताकि इस तरीके से क्या हो, लेन देन हो, मतलब देश का व्यापार भी डेवलप कर जाए और जो चीज है आयात निर्यात भी हो जाए। ऐसे में जो भोजन है, भोजन का निर्यात करना बहुत आवश्यक है। इसमें कई तरह की चीजें हैं, जैसे सब्जी होगी, मांस होगा, मछली होगी, अंडे होंगे, फल होगा, सूखे मावे होंगे, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ है वो होंगे, इन सब को पैकिंग करके बाहर भेजा जाता है। और ये प्रश्न उठता है इसके बाद कि अगर इन सबको किसी तरह पैक करके, ठीक है, बाहर भेजा जाता है, तो अगर बताइए अगर किसी भी विभिन्न तरह के जीव है उनमें किसी तरह का इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो फिर इस पैकिंग द्वारा जो भोजन है उसको तो हम उस मतलब इन्फेक्शन से बचा ही सकते हैं ना। अगर आज के डेट में कोई मान लीजिए कोई बीमारी हो जाती है, दो मिनट के लिए मान लो कि कोई एक एरिया है, मान लेते हैं आपका आप सब लोग बसेठा के आसपास के हैं, और उस आसपास में खुदा ना खास्ता ऊपर वाला नहीं करे ऐसा हो कोई छोटी मोटी बीमारी कॉमन हो जाए, ठीक है, इसको अदरवाइज लेना समझाने के लिए खाली उदाहरण दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर मान के चलो वहां पर किसी एक तरह के जानवर में कोई बीमारी हो गई, या किसी पौधे में कोई बीमारी हो गई, या किसी पेड़ में कोई तरह की बीमारी हो गई है ना, और उस पेड़ से निकलने वाला जितना भी चाहे सब्जी हो चाहे फल हो उसमें उस तरह का रोग दिखने लगे है ना, तो फिर क्या करेंगे हम, तब तो उसको नहीं खाएंगे हम। लेकिन अगर वही चीज हमको पैकेट पैक्ड मिल रहा है बाहर से कहीं से आ रहा है जहां वो बीमारी नहीं है तो उसको लाके खा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर वो चीज नहीं है, फर्मेंटेड से बचना भी चाहिए, फर्मेंटेड से तब बचना चाहिए जब अगर वो चीज आपके यहाँ पे नेचुरली अवेलेबल है। अगर नेचुरली अवेलेबल नहीं है तो आप उस चीज को खाइए, उस चीज को लीजिए। जैसे अचार है, अचार अभी आम का सीजन आ रहा है, आएगा, हर घर में अचार बनेगा, सबको पता है ना। तो अभी जो अचार बनेगा वो सब लोग क्या आज अचार बनाएंगे तो कल खत्म हो जाएगा या साल भर रहेगा वो, ठीक है, वो साल भर रहेगा वो अचार आपका, तो उसको हम जो खाएंगे वो साल भर के लिए बनाएंगे, दो साल के लिए बनाएंगे, तो वो ऐसा आइटम है उसको साल भर रखा जा सकता है। लेकिन क्या आप कुछ भी खाना आज बनाइएगा और 6 महीने बाद तक खाइएगा, ऐसा संभव नहीं है। उसका एक लिमिटेशन है कि कोई भी जो पेय पदार्थ है, कोई भी खाने वाला पदार्थ है, उसको कितना दिन प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, सबके अंदर नमी की मात्रा अलग अलग है। जितना दिन आपका सेब रुक जाएगा उतना दिन टमाटर नहीं रुकेगा, ठीक है। इसी तरीके से हर सब्जी और हर फल के साथ है, जितना दिन आपका ड्राई फ्रूट रखा जा सकता है उतना दिन कोई भी आपका जैसे केला है वो नहीं रखा जा सकता है ना, या जैसे मान लीजिए और कोई दूसरा फल है तो उसको हम उस तरीके से नहीं रख सकते, अंगूर को ये सबको नहीं रख सकते हैं बहुत दिन। लेकिन अगर ड्राई फ्रूट है तो वो रह सकता है बहुत दिन। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह का फल है जिसको रोका जा सकता है, किस तरह की सब्जी है जिसको रखा जा सकता है ना, उसको प्रिजर्व करेंगे। हर खाने को प्रिजर्व करके रखना ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। आज फ्रिज की वजह से बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं, फ्रिज की वजह से लोग खाना को सेव कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन बीमारियां साथ ले आते हैं वो, इसलिए भोजन को प्रिजर्व करके भेजा जाता है, फ्रीजिंग किया जाता है। बहुत जगह आप देखते होंगे फ्रीजर बनाया जाता है बराबर, उसमें उसको फ्रीज करके रखा जाता है, क्योंकि उनका बिजनेस है उसको कूलिंग करना, उसको फ्रीजिंग करना, उसको कीटाणु शोधन करना, उसको पाश्चरीकरण। जैसे आप दूध आता है, सुधा का दूध आता है, आप दिल्ली सब में जाएंगे, दिल्ली हो या दिल्ली आसपास का इलाका हो, वहाँ सुधा नहीं चलता है, वहाँ मदर डेयरी चलती है, ठीक है, मदर डेयरी काफी वहाँ पे फेम है, तो लोग मदर डेयरी का प्रोडक्ट खाना पसंद करते हैं। इधर हम लोग क्या, सुधा का प्रोडक्ट आता है,
तो जो भी है इनका क्या होता है, पाश्चरीकरण मतलब ये लोग इस चीज को पैकिंग करते हैं अपने यहाँ और उसको लोकल के आसपास के क्षेत्रों में ट्रक के जरिए से पहुंचाते हैं सुबह सुबह। आज लगभग इलाके में, लगभग घर में, देहात तक की बात कर ले हम, शहर की नहीं, आज देहात के अंदर भी जितने लोग हैं वो लोग दूध लगभग पैकेट का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। और पहले वाली टाइम अब नहीं रह गई, पहले लोग जाते थे और एकदम गांव देहात में आपके सामने जाके दूध लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, जो भी हो। आज ये सिस्टम बहुत कम गया है, लगभग लोग कहीं ना कहीं रेडीमेड पे डिपेंड करने लगे हैं, पैकेट वाले चीजों पे डिपेंड करने लगे हैं। लेकिन ये बात क्लियर है, पैकेट का जो दूध आता है ठीक है, वो दूध और आपका जो नेचुरल दूध जो आप लेके आते हैं वो दूध में फर्क होता है, ये तो सब कोई जानता है। अगर वही चीज है कि वो भी वही दूध रहता है तो उतना कैसे दूध ले आता है, वो कहाँ से ले आता है, इतना सोचने वाली बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन उसमें यूज किया जाता है, केमिकल रिएक्टिविटी उसके अंदर उसमें मिक्स की जाती है, तो उसका खामियाजा हमको सेहत के तौर पर भुगतना पड़ता है कहीं ना कहीं, लेकिन मजबूरी है तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जहां तक संभव हो सके आप प्रकृति से मिलने वाली उन चीजों को वैसे ही उपयोग कर दीजिए जैसे आपको मिल पा रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा है तब तो मजबूरी है, तब तो लाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे हम। ठीक है, हर चीज तो अपने यहाँ पैदा नहीं कर सकते। आप सोचिए खजूर भी इंडिया में हो जाए तो इंडिया का खजूर कैसा होता है, हम लोग का जो खजूर बिकता है वो गल्फ से आता है, वो इराक से आता है, वो ईरान से आता है, उस खजूर की क्वालिटी और अपने यहाँ की खजूर की क्वालिटी बिल्कुल अलग है। लेकिन जो हमारे यहाँ का चावल है उसकी क्वालिटी बाहर में नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ का जो बिहार का आम है ये बाहर में कहीं नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब हर जगह कोई चीज ऐसी है जो वहाँ की शान है, जो वहाँ का एक अलग पहचान है, तो उसको हम वहाँ की चीज़ों को वहाँ से हासिल करेंगे। ठीक है, और जो चीज़ वहाँ नहीं उपजती है, जो चीज़ वहाँ नहीं उगाई जा सकती है, या जो चीज़ वहाँ पेड़ में नहीं आता है, या जिस चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, तो उन चीज़ों को हम बाहर से लेंगे। और जब बाहर से आएगा तो उसको परिरक्षित करके रखा जाएगा, प्रिजर्व करके रखा जाएगा, तो प्रिजर्व करने के नियम है उसके हिसाब से रखा जाएगा, है ना। और अगर वैसे नहीं रखेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, जब प्रिजर्व किया जाता है तो प्रिजर्व को रखने में क्या क्या बातें ध्यान में दी जाती हैं, किसी भी खाने को या फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, तो उसमें कई बातें हैं, सब बात को तो नहीं, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखिए। नंबर एक, किसी भी तरह का बैक्टीरिया या वायरस या फंगस, ये सारी चीजें, जैसे आप जानते हैं दही खाते हैं, सबको पता होगा हम दही खाते हैं। ठीक है, तो दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है बताइए। चलो प्रतिभा तुम बताओ, प्रतिभा में तो दो है, अच्छा प्रतिभा 34 तुम बताओ। हम जो दही खाते हैं, दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, चलो कोई और बताओ। लैक्टोबेसिलस, वेरी गुड जूली का जवाब सही है। तो लैक्टोबेसिलस जीव जो उसमें इस्तेमाल होता है वो फायदेमंद है या नुकसानदायक है हमारे लिए, फायदेमंद है, फायदेमंद है। लेकिन अभी जो वायरस है ये भी सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया जो बात किया वो भी सूक्ष्म जीव है, फंगस की जो बात कर रहे हैं वो भी सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीवों का 5 वर्ग होगा, पढ़ा होगा क्लास 8 में था, है ना। तो मतलब उसमें अमीबा भी है, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, फंगस सब है ना। ठीक है, तो ये 5, हाँ बोलो, 5 वर्ग है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे बैक्टीरिया की बात किया तो लैक्टोबेसिलस जीवाणु ये हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन वायरस भी है। तो वायरस जो अभी हमारे बीच में आया हुआ है जिसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया है, या एड्स का वायरस है, एड्स भी वायरस से फैलता है, तो ये नुकसानदायक है। लेकिन क्या सारा वायरस नुकसानदायक ही होता है, सारा बैक्टीरिया फायदेमंद ही होता है, ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे वायरस या बहुत सारे फंगस या बहुत सारे बैक्टीरिया हम इनको क्लासिफाई करते हैं, कुछ हमारे लिए बेनिफिटेड है और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक है। तो जो हमारे लिए फायदेमंद है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जो फायदेमंद नहीं है उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। हमको अच्छे से पता है दूध को दही में कन्वर्ट करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, है ना, कितना डिग्री तक, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब जा करके उसमें हम उसको जोरन लोग बोलता है बोलचाल की भाषा में, मतलब थोड़ी सी दही डाल देते हैं और वो क्या करता है, लैक्टोबेसिलस जीवाणु को हर 20 मिनट पर डबल 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 करते चला जाता है, एंड फाइनली वो क्या होता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है, जो फायदेमंद हमारे लिए है। लेकिन वहीं पर बहुत ऐसा चीज़ है जो सेम इसी प्रक्रिया को दोहराता है, जैसे वायरस भी, जैसे अगर हम बात करें एड्स का वायरस तो वो भी,
जैसे बात करो अभी कोरोना का वायरस, तो वो भी ऐसा कर रहा है। अभी हम फंगस की बात कर रहे तो वो भी ऐसा कर रहा है, तो क्या ये भी फायदेमंद है? नहीं, ये नुकसानदायक है। तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा चीज हमारे लिए फायदेमंद है और उसको हासिल करना होगा, कौन सा चीज फायदेमंद नहीं है उससे हमको बचना होगा। तो पहला चीज तो है कि सूक्ष्म जीवों जो है उन सूक्ष्म जीव को जानना होगा, उसके यूज को जानना होगा और उसके हिसाब से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा चीज क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं? वर्ड बनाया फिल्टर से, और फिल्टर होता है छानना, छानना जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे चाय छानने के लिए पत्ती को छान लेते हैं, कप में सिर्फ चाय आ जाती है, होता है ना। अगर चाय पत्ती को छानते हैं तो चाय आ जाती है कप में, चाय पत्ती अलग कर दिया। इसी तरीके से फिल्ट्रेशन क्या होता है कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है उसको फिल्टर करके छान देते हैं। तो सब चीज चाय को जैसे पत्ती से छानते हैं वैसे नहीं छाना जाएगा, उसके लिए प्रक्रिया अलग है, कैसे अलग करना है। दूसरा काम, पहले तो हमको जानना होता है कि कौन सा सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक है, पहले कैटेगराइज करते हैं। दूसरा ये जानना होता है फिल्टर कर देना, उसको छान लेना, अलग कर देना। तीसरा होता है कि सूक्ष्म जीवों का विकास, अगर जरूरी है तो उसका विकास करेंगे, डेवलप। जैसे क्या है, दही, उसको विकसित करते हैं हम और दही मिला करके दूध के अंदर डाल करके उसको डेवलप करते हैं ताकि और ज्यादा हो, तो फायदा इस्तेमाल किया उसको, और नहीं है फायदेमंद नहीं तो उसको हम मारते हैं, हटाते हैं, कैसे उसको खत्म किया जाए उसका रास्ता निकालते हैं। चौथा होता है भोजन में स्वयं के द्वारा उत्पन्न सड़न, मतलब बहुत सारा भोजन ऐसा है जिसको आप अगर रख दीजिएगा ऐसे ही बिना फ्रिज के तो जल्दी खराब हो जाएगा। फ्रिज में रख देंगे तो वो थोड़ा दिन तक सेव रहता है, थोड़ा ज्यादा दिन तक सेव रहता है, तो उसको जानना, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर होता है फूड को एंजाइम्स, एंजाइम्स, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम के बारे में कोई बताएगा? एंजाइम के बारे में बताइए कोई आदमी, साइंस वाले कई। हाँ, एंजाइम, ENZYMES, एंजाइम। गुड। एंजाइम तो भोजन को पचाने का काम करता है, जैसे कि आप जैसे जैसे एक दवा का नाम ले लो, यूनिजाइम एक दवा का नाम है, तो जाइम क्यों लिखा हुआ है, इसी वजह से अगर किसी को अनपच हो गया है ना, पचता नहीं ठीक से मतलब, तो वो यूनिजाइम वगैरह खाता है या इसी तरह की कोई दवा खाएगा, है ना, कम्बिनेशन उसका जाइम्स वजह से होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि एंजाइम जिसकी बात हम, क्या एंजाइम कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, काम कैसे करता है ये? बताइए। चलो, वो तो तब हो गया कि जब उनको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में रुकावट आ रही है, खाना ऑक्सीडेशन का मतलब पच नहीं रहा ठीक से खाना, है ना, तो हमको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन को रोक रहा है, तो एंटीऑक्सीडेशन डाल देंगे, जैसे है ना मोबाइल में या फिर लैपटॉप में हमको मेरा वायरस आ गया तो एंटीवायरस डाल देते हैं तो वो उसको दूर करता है। इसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट हम खाते हैं, जैसे जैसे कि इनो इनो होता है, या जैसे यूनिजाइम बोले वो होता है, या बहुत सारा होता है, नींबू पानी लोग पी लेते हैं, है ना, तो ये सबसे क्या होता है, खाना पचाने का काम करते हैं। लेकिन सवाल ये कि एंजाइम काम कैसे करता है, ये हम पूछे थे, एंजाइम ये काम करता है, लेकिन हम सवाल करें कैसे करता है। इस कैसे का जवाब होगा कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जरूरी नहीं कि हर जगह होगा, बहुत जगह बहुत सारा एंजाइम होता है और बहुत जगह एंजाइम नहीं भी होता है, तो जहां एंजाइम नहीं है वहां एंजाइम लाते हैं हम, तो एंजाइम कहां से लाएंगे, हम खरीद के लाएंगे मार्केट से? नहीं। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम दरअसल कैटलिस्ट भी कहलाता है, एंजाइम को कैटलिस्ट भी कहता है, उत्प्रेरक भी कहते हैं, ठीक है। एंजाइम एक तरह का उत्प्रेरक होता है, वो क्या करता है कि वो एडिशनल किसी जगह पे जाएगा, जैसे मान के चलो, इसको समझाने के लिए बोल रहे हैं 2 मिनट के लिए, कि प्रतिभा में और जूली में लड़ाई हो जाती है, 2 मिनट के लिए उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं, ठीक है। जूली को प्रतिभा 81 है, उससे लड़ाई हो गई सपोज, तो अब दोनों के बीच में दूसरी प्रतिभा 34 है, वो क्या करेगी, जाके दोनों के जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बोलेगी, देखो इसके कहने का मतलब ये नहीं था, तुम्हारे समझने का मतलब है वो गलत है, और तुमने जो सुना है वो असल वो ये नहीं बोली, वो ये बात बोली है, दोनों के अंदर का जो कंसेप्शन है उसको दूर कर देगी। अब दूर कर देने का दोनों को जो गलत फहमी थी, अब जैसे मान लो प्रतिभा 81 उसको लगा हो कि जूली हमको ऐसी बात बोली है इसलिए वो गुस्सा थी, तो उसको ये बताएगी कि देखो जूली तुमको ये बात प्रतिभा नहीं बोली है,
और इसी तरीके से प्रतिभा को बोलेगी कि जूली ने ऐसा नहीं कहा था, और जूली को बोलेगी प्रतिभा इसलिए तुमसे गुस्सा थी। तो दोनों के बात को फैक्चुअल जो फैक्ट है उसको सामने ला के रखेगी, जिससे क्या होगा दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग करता है हमारे बीच। एंजाइम ये करता है बहुत जगह पर जहाँ पे एंजाइम्स नहीं है, कैटलिस्ट नहीं है, तो कैटलिस्ट चला जाएगा और दोनों के आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देगा और जैसे गया था वैसे बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, खाना को पचाने का वो काम करता है एंजाइम्स की तरह या कैटलिस्ट की तरह से, और हमारा खाना ऑक्सीडेंट के जरिए से या एंटीऑक्सीडेंट के जरिए पैक हो जाता है। इसकी वजह से हमको नुकसान उसका नहीं मिलता है, फायदा मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो पशुओं में इससे होने वाली हानि है उससे भी बचाता है हमको, या फिर डिकम्पोजिशन जो होता है, डिकम्पोज किसको बोलते हैं, बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो किसी चीज़ को डैमेज कर देता है। या फिर देखा होगा कि कछुआ के बारे में सवाल पूछा जाता है, किसानों के दोस्त होता है, क्यों, क्योंकि मिट्टी को भुरभुरी बना देता है वो, है ना, डिकम्पोज करता है। इसी तरीके से ये क्या करता है कि भोजन को डिकम्पोज करता है, जो कंपोज डिकम्पोज करके उसकी विधि को आसान करता है ताकि प्रिजर्व आसानी से हो सके, पच जाए आसानी से, ठीक है। और जो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो उसके लिए नुकसानदायक है इसको रिमूव कर देता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसको हम आपको नोट्स के तौर पर भेज दे रहे हैं, ठीक है। बाकी क्लास को हम यहाँ पर एंड कर देंगे आज, ठीक है। और इसके बाद कहने का मतलब कि ये नोट्स हम भेज देंगे अभी ग्रुप में, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। और बहुत सारे पॉइंट्स को हम बोले नहीं लेकिन लिखा हुआ है साफ साफ, लगता है दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर दिक्कत होगा देन यू कैन आस्क मी, आप व्हाट्सएप पे अलग से क्वेश्चन कर लीजिएगा। रही बात जूली को, तुम्हारा जो सवाल है उसको पर्सनली अभी भेज देना, उसका जवाब अभी हम नहीं देंगे, एक आध दो घंटे बाद फ्री होकर के हम तुमको जवाब दे देंगे, ठीक है। बाकी आज वाला नोट्स हम भेज देंगे, ठीक है। किसी का भी कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो क्वेश्चन हमको अलग से भेज दीजिएगा, ठीक है। और किसी को कंफ्यूजन, चलो ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू। और घर में रहना, कहीं तुम लोग बाहर मत निकलना, अब वेरिएंट तरह तरह से फैल रहा है, एयर में भी आ चुका है, देन हैव टू सेव योरसेल्फ, ओके, ठीक है, चलो। तो आज एक क्लास यहीं पे हम खत्म करें, ठीक है ना, चलो बाय।